नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार टांक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन। आज मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य था, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे जिम अभी बंद है, तो मैं एक अपनी फिटनेस इंडस्ट्री से और हमारी इंडस्ट्री से जुड़े सभी संस्थाओं से एक अपील कर रहा था कि क्यों ना हम सब मिलके सेम डे सेम आवर के अंदर एक ही तारीख को सारे एक साथ, जो ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उस ईमेल आईडी पे हम सब मिलके उनको मेल करें। इसके लिए मैंने कुछ लेटर भी ड्राफ्ट करे थे और वो मैंने काफ़ी जगह, दो दिन से मैं काफ़ी जगह भेजे मैंने, और मेरे टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों को भेजे। मैंने अपील करी है इंडियन जिम बॉडी बिल्डिंग, जितनी भी एसोसिएशन फेडरेशन है सबको किया है, योगा की एसोसिएशन है, जूडो की है, बॉक्सिंग की है, पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, और जिम ऑनर्स हैं, जिम मैन्युफैक्चर हैं, जिम सेलर हैं, फूड सप्लीमेंट वाले हैं जो सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो फूड सप्लीमेंट स्टोर वाले हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, डाइटिशियन हैं, जो भी जुड़ी संस्थाएं हैं, सबसे मैंने अनुरोध किया है कि हम एक दिन में, एक समय में श्री नरेंद्र मोदी जी को हम मेल करेंगे अपने जिम से रिगार्डिंग कि हमारे जिम खोल दिए जाए। लेकिन अभी पिछले दो दिन से न्यूज आ रही है कि हमारे जिम खुलने वाले हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है, इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के माध्यम से मैं कभी 45 से 47 लोगों से मैं मिला हूँ, ज्ञापन दिए मैंने, और हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन मिला था कि जिम आपके 31 जुलाई तक खुल जाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसा महसूस भी हो रहा है, प्रतीत भी हो रहा है कि हमारे जिम खुलने वाले हैं। तो इस मुहिम को मैं अभी थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, लेकिन इसके आगे के जो मुद्दे हमारे जिम खुलने के बाद के, जैसे हमारे बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, किराए को लेके हमारी जो दिक्कत है, हमारा GST 18% है उसको कम कराने के लिए, प्लस जो कॉरपोरेशन होती हैं शहरों के अंदर अलग अलग जगह, जैसे यहाँ दिल्ली के अंदर MCD है, तो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाए, क्योंकि बड़ी कठिन प्रक्रिया है जिसकी वजह से जिम वाले जो हैं लाइसेंस नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए मैं एक मुहिम चालू करूंगा, अगर हमारे जिम खुल जाते हैं तो उस मुहिम पे काम करेंगे, अगर हमारे जिम नहीं खुलते हैं तो हम पहली अपील जो करेंगे सारे मिलके जिम खोलने को लेकर करेंगे। तो इसलिए भी होल्ड है, 31 तक हम इसे होल्ड कर रहे हैं। अगर जिम खुल जाते तो नेक्स्ट हमारी जो अपील जो होगी, मैंने बताई दी आपको, हमारे और जो मुद्दे हैं उसके लिए हम अपील करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इस इंडस्ट्री की हेल्प करेंगे, और जैसे एसेंशियल के अंदर आना चाहिए हमारा ये सर्विस में, एसेंशियल सर्विस में हमारी जिम इंडस्ट्री आ जाए तो उससे भी हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही जो मुद्दे होंगे, जो मेन मुद्दे होंगे, उनको हम रखेंगे अपनी उस मेल के अंदर, और एक साथ एक समय में हम मेल करेंगे। सभी साथियों अपना ट्विटर डाउनलोड कर लो, आप लोग ईमेल आईडी सबकी होती है वैसे ही, अगर फिर भी किसी की नहीं तो अपनी ईमेल आईडी बना लो, और जैसे ही मैं आपको एक नोटिफिकेशन दूंगा और प्लस साथ में एक PDF फाइल भेजूंगा उस लेटर की, उस लेटर को अपलोड करके आपने सबसे पहले मेल करनी है, और ठीक उसके बाद आपने ट्विटर पे, PMO के ट्विटर पे जाके उनको ट्वीट भी करना है। ये एक प्रक्रिया है, आपने करनी है हमारी एकता दिखाने का, जो हम लोग सब लोग तो रोड पे नहीं आ सकते, जैसे हमने धरने दिए हैं, 2-3 बार धरने दे दिए हमने, और छोटे मोटे भी हमारे धरने प्रदर्शन दिल्ली के अंदर काफी हुए, लेकिन सभी लोग नहीं आ पाते हैं बिकॉज कोरोना के डर से या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, एक साथ नहीं आ पाते, हमारी एकता कहीं ना कहीं वंचित रह जाती है। तो क्यों ना हम सोशल मीडिया पे अपनी एकता को दिखा दे, और मैंने सभी से बोला है बिना किसी मतभेद के, आप सब लोग सोशल मीडिया पे तो सपोर्ट कर सकते हो एक दूसरे को, तो साइलेंट सपोर्ट हो जाएगी। 22/7/2020 को सलोन इंडस्ट्री ने 8 लाख ईमेल करी थी PMO को, 8 लाख, उसी से प्रेरित होके मैं यहाँ पे
यह मुहिम चलाना चाह रहा हूँ, और मैं आप पूरी इंडस्ट्री से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के माध्यम से अगर हम एक एकता की अपील कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के जिम इंडस्ट्री को, तो प्लीज़ आप सब लोग साथ दें। आप ये ना देखें कि आप किस शहर से हैं, आप यह ना देखें, ये ना देखें कि आप किस बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से हैं, आप ये ना देखें कि हमारा तो जिम नहीं है, हम तो योगा करते हैं। ये फिटनेस इंडस्ट्री पूरी एक फैमिली है, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो बिना जिम इक्विपमेंट के आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत वर्कआउट है जिनको जिमों में करने पड़ते हैं, जिम ट्रेनर्स की उनको जरूरत पड़ती है। तो इन सबको जिंदा रखने के लिए सभी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो कुश्ती हो, वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो या जिमनास्टिक हो, ऐसे कोई भी फिटनेस रिलेटेड चाहे स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी हमारे स्पोर्ट्स की एसोसिएशन और फेडरेशन है, जिम वाले तो करेंगे करेंगे। सबसे मेरी अपील है, एक अपील मैंने सभी क्लाइंटों से भी करी है कि आप लोग अपने क्लाइंटों को भी अप्रोच करो कि उस मेल को वो भी मेल करें, क्योंकि अगर जिम खुलेंगे तो वो भी जिम का जो फायदा होता है वो ले सकते हैं। जब जिम ही नहीं रहेंगे तो वो भी कहाँ जाएंगे फिर, और एक जिम बनने में कितनी मेहनत लगती है ये चीज आपको पता ही है। तो कोई भी जिम अगर आज बंद हो जाता है, उसको खुलने के लिए फिर सोचो कि कौन आगे आएगा, ये बहुत पुरानी मतलब वो हो जाएगी कि बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। एक इंसान को जिम बंद करके दोबारा खोलना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो भी अपील करें, उस अपील का पहले आपको बता दिया जाएगा इसमें क्या लिखा है, आप उस अपील को पढ़ लेना। उसके अंदर जो भी है वेलफेयर के लिए काम हम लोग कर रहे हैं वही उसके अंदर लिखा हुआ है, जो प्रॉब्लम है वही उसके अंदर लिखी हुई है। बस अपनी प्रॉब्लम हमने एक मेजोरिटी के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बतानी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब हमारा साथ देंगे और इस एकता को दिखाने में हम सब कामयाब हो जाएंगे। ट्विटर को कैसे हैंडल करना है ये भी मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, वो देख लो आप एक बार। साथियों, ये मोबाइल की होम स्क्रीन है और आप देख रहे होंगे इसमें सभी आइकॉन हैं जो भी आपने डाउनलोड करी हुई एप्लीकेशंस। इसमें हमने ट्विटर पे जाना है, ये ट्विटर का आइकॉन है, इसको क्लिक किया तो आप देखोगे ये स्क्रीन ओपन होती है ट्विटर पे। आप नीचे की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे होम स्क्रीन है, इसके साथ में ये सर्च का जो आप राउंड देख रहे हो ये सर्च का आइकॉन है। आप जैसे ये सर्च का आइकॉन आप दबाओगे तो या ऊपर देखो सर्च का वो आ गया है ऑप्शन। आपने सर्च पे जाके आप पीएम इंडिया या एट पीएम इंडिया लिखोगे तो ये आ जाएगा। पहले आपको इनको फॉलो करना होगा, फॉलो करने के बाद ये ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाए, जैसे मैंने फॉलो किया हुआ इनको तो लिस्ट आ गई है। इसमें पीएम मोदी को आप जैसे क्लिक करोगे तो ये उनका पेज खुल जाता है ट्विटर हैंडल। अब आप इनको कैसे, आपने अपना जो मुहिम का जो भी मटेरियल उनको कैसे देना है या कैसे अपनी पोस्ट उनकी तरफ पहुँचानी है, तो आप देखो नीचे की तरफ ये प्लस का निशान है, तो जैसे ये प्लस का निशान दबाएंगे तो ये पूरा हमें वो मिल गया स्पेस। यहाँ पे हम कोई भी मैसेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो सर, ये मैंने हेलो सर लिख दिया। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये एक गिफ है ये है, और ये कॉर्नर में लेफ्ट साइड में ये देखो आप इससे कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। ये देखो ये यहाँ पे पिक्चर्स हैं कुछ, तो अभी मैं इस पर ये भोले बाबा की एक पिक्चर है ये मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड का बटन दबाना है और ये ट्वीट कर देता हूँ। तो ये जो ट्वीट है ये देखो ये ट्वीट हो गया, योर ट्वीट वॉज सेंट, सेम ऐसे ही करना है। थैंक यू। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से ट्विटर पे ट्वीट करना है, क्योंकि कई साथी हमारे शायद फर्स्ट टाइम ट्विटर को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने भी कुछ टाइम पहले ट्विटर यूज़ किया, मैं बहुत पहले करता था तो फिर बीच में छोड़ दिया मैंने 5-7 साल, लेकिन अब दोबारा ट्विटर मैंने जब हैंडल किया तो मुझे भी थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये ट्विटर पर एक छोटी सी वीडियो भी बना के आपको दी है। तो साथियों मेरा यही आपसे अनुरोध है बारी बार कि पूरी फिटनेस इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जिम इंडस्ट्री सब एक होके एक साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक अपील करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
हैं।